Hi, welcome to my channel. This video we solve current question number 6. Construct a quadrilateral PQRS in which angle Q is equal to 45 degree, angle R is equal to 90 degree, QR is equal to 5 cm, PQ is 9 cm and RS is equal to 7 cm. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीनों साइड्स में से किसी एक साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन. तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा PQ के साथ. ओके, सबसे पहले मैं 9 सेंटीमीटर का PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा. ओके, तो मैंने लाइन सेगमेंट PQ 9 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया है. नाउ अब Q पॉइंट पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग प्रोटेक्टर. ओके, तो 45 डिग्री का एंगल Q पर बनाना है तो सो हम नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 45 मींस 40 और 50 के बीच में आएगा. तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैंने 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया. अब इस पॉइंट और जो Q पॉइंट आपका है इन इसी के डायरेक्शन में एक हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे एक्चुअली, या आप कह सकते हैं एक रे. ओके, तो हमने एक रे ड्रा कर लिया क्यू से, या आप लाइन बोल सकते हैं. यहाँ पर ये पॉइंट मिला आपका क्यू एक्स, इसको हम ले लेते हैं क्यू एक्स. ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन सा कहाँ तक जाएगा, तो हमने एक्स मार्क कर लिया कि क्यू एक्स एक रे है जो हमने ड्रा किया है क्यू से. अब हम क्या करेंगे कि Q पॉइंट से आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के लेंथ पर आपका R पॉइंट है, तो आपको R यहीं पर फाइंड करना है. तो करेंगे क्या कि Q को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक R खींचेंगे यहाँ पर और आपको वो पॉइंट R मिल जाएगा. ठीक है, ओके, तो हमने एक R खींच लिया है और ये पॉइंट आपका R मिल चुका है. सो अब R पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है यूजिंग प्रोटेक्टर. अब आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल आपको किधर मिलेगा. ये आपका 90 है तो आप इधर से काउंट करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 का एंगल मेजर करने के लिए आप इधर से ऐसे जाएंगे. सो नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे हम. तो 10 यहाँ पर हो गया, ये 90 आपका यहाँ है. तो हमने एक 90 पर पॉइंट मार्क कर लिया है. नाउ अब हम इस आर और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमें, यहीं पर आपको देख करके लग रहा होगा कि ये तो जाकर के काटने वाली है इस PQ लाइन सेगमेंट को. इसका मतलब कि हम यहाँ पर ट्रेंगल नहीं ड्रा कर पाएंगे, मतलब ट्रेंगल कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल नहीं ड्रा कर पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर ये कट कर जाएगा और ये ट्रेंगल ही बन पाएगा, ना कि क्वाड्रिलेटरल. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ड्रा तो कर दिया है, ठीक है, लाइन सेगमेंट आर वाई, मतलब लाइन आर वाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल भी बनाया मैंने 90 डिग्री का. ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे कितना था 45 डिग्री. प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यदि आप यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं और ये लेंथ, मतलब आर को सेंटर मान करके, देखिए यहाँ पर आर को सेंटर मान करके 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेना हमें है और 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमें एस पॉइंट मिलेगा. यदि आप 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं और आर खींचते हैं तो प्रॉब्लम आएगी. वो प्रॉब्लम क्या आएगी आपको दिखा रहे हैं. तो 7 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यदि हम आर खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का तो ये चला जाएगा बाहर. देखिए आपका यहाँ पर मिल रहा है, मीन्स ये आपका ट्रेंगल बन गया, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल बन नहीं सकता. तो यदि हम यहाँ पर खींच भी देते हैं तो आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा. मतलब यदि हम इस लाइन को हम एक्सटेंड भी करते हैं तो क्या होगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट मिला है वो आपका एस यहाँ मिला है और ये जो एस पॉइंट मिला, ये जो एस पॉइंट मिला है बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पी है, ये आपका पी है और ये आपका एस है. यदि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका ये कैसा ट्रेंगल बन रहा है, मतलब दो ट्रेंगल बन रहा है एक्चुअली, एक ये आपका ट्रेंगल बन रहा है और एक इधर बन रहा है. लेकिन हमको तो ट्रेंगल बनाना नहीं था, हमें तो बनाना था क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई. इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आखिर क्या प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पा रहे हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये 45 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. आपको सोचना बस यही है कि ये लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब 7 सेंटीमीटर का यदि आप आर खींचोगे तो ये बिल्कुल ही इस लाइन से, जो इनिशियल जो पी क्यू लाइन थी, इस लाइन से बाहर चला जा रहा है आर्क. देयरफॉर ये जो हम लेंथ खींचेंगे तो ये क्रॉस कर जाएगा इसको और हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल पाएगा, बल्कि दो ट्रेंगल मिलेंगे और वो भी क्रॉस पोजिशन में, मतलब कि हमें कुछ ऐसा पोजिशन मिल रहा है ऐसे करके.
मीन्स आपको ऐसे ऐसा पोजीशन मिल रहा है, तो इस तरह का दो ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल पा रहा, तो ये थोड़ा सा जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है इसलिए हमें ऐसा मिल रहा है। तो ये जो दिया हुआ है मेजरमेंट इसका QR 5 सेंटीमीटर, PQ 9 सेंटीमीटर एंड RS 7 सेंटीमीटर, इसमें थोड़ा सा हम रेक्टिफिकेशन करें, 7 सेंटीमीटर को ना लेकर के हम ले लें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर पाएंगे, क्योंकि वो जो 2 सेंटीमीटर होगा वो यहीं पर कहीं कट करेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। लेकिन फिर भी जो क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे वो दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, मीन्स यहाँ पर जो ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा एक, तो ये अलग तरह का मतलब मिल जाएगा डेफिनेटली। तो खैर मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल बिकॉज वन साइड इज मच लार्जर, इट शुडंट बी लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।